Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Mohammad Faisal. Class 9, Subject Mathematics, Chapter Name is Factorization. बच्चों आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं इसके लिए आपको दो लेक्चर जरूर पढ़े होने चाहिए आपने। वैसे तो जाहिर सी बात है पूरे चैप्टर के सारे लेक्चर देख लो ज्यादा बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट इससे पिछले वाला लेक्चर और मिडिल टू ब्रेक वाला लेक्चर, ये दो लेक्चर आपने जरूर देख लो तो ये लेक्चर आपको बहुत ही ज्यादा आसान है। उसकी एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके सेक्शन सी के सवाल करेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपके पास चार ब्रैकेट है, अगर हम चारों को मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, एक्स की पावर फोर तक चले जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि सबसे पहले तो कलर चेंज करते हैं ताकि आपको प्रॉपरली नजर आए, और उसके बाद सबसे पहला काम क्या है, सेम ब्रैकेट बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस वन को अगर मैं टू के साथ मिलाऊंगा तो दो और एक मिलके तीन हो जाएंगे, और फिर थ्री को फोर के साथ मिलाना पड़ेगा तो तीन और चार मिलके सात हो जाएंगे, तो ये सेम ब्रैकेट नहीं है, मैं कह रहा हूँ सेम ब्रैकेट होनी चाहिए। अगर मैं वन को फोर के साथ मिलाऊं तो फोर और वन मिलके फाइव हो जाएंगे, और टू और थ्री मिलके कितने हो जाएंगे, फाइव हो जाएंगे। तो ऐसे दो ब्रैकेट को आपस में मिलाना है जिससे रिजल्ट सेम बने। तो पहले हम इसको सेम करके लिख देते हैं, सिंपल करके एक्स प्लस वन एक्स प्लस फोर। फिर क्या कर देंगे बेटा, एक्स प्लस टू के साथ क्या लिख देते हैं, एक्स प्लस थ्री माइनस का 48। तो क्या किया हमने, सबसे पहले ऐसे ब्रैकेट को एक साथ कर लिया जिसका रिजल्ट सेम। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, पहले एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अब एक्स को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एक्स। अब किसकी बारी, वन की बारी ना, वन को एक्स से करेंगे तो वन एक्स, और वन को फोर से करेंगे तो फोर। अब इसी तरह इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, कैसे मल्टीप्लाई होगा, एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को थ्री से करेंगे तो थ्री एक्स। अब किसकी बारी, टू की बारी ना, टू को एक्स से करेंगे तो टू एक्स, और टू थ्री से कितना हो जाएगा, सिक्स। अब सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लेते हैं, क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है, एक्स स्क्वायर फोर और वन मिलके कितने हो जाएंगे, फाइव एक्स, फोर अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर थ्री और टू मिलके कितने हो जाएंगे, फाइव एक्स। इस सिचुएशन पे आने के बाद अगर आपने पिछला लेक्चर पढ़ा है तो आपको नजर आ रहा होगा ये तो बिल्कुल वही सवाल बन गया जो आपने पिछले लेक्चर में किया था, कि दोनों ब्रैकेट में कुछ सेम है, जो सेम है उसको किसके बराबर रख रहे थे, हम किसी भी वेरिएबल के बराबर रख रहे थे, तो हम इसको नॉर्मली टी रख रहे थे। तो क्या सेम है दोनों में, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स को टी के बराबर रखेंगे और इसको इक्वेशन नंबर वन में बेटा पुट कर देंगे, क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर वन, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स की जगह पे आ जाएगा टी और फोर अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर और फाइव एक्स की जगह पे आ जाएगा टी और सिक्स अपनी जगह पे, ऐसे ही कर रहे थे ना पिछले सवाल। अब ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर, फिर टी को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स टी, अब फोर को टी से मल्टीप्लाई करेंगे फोर टी, और फोर सिक्स का कितना हो जाएगा, ट्वेंटी फोर। इस सवाल के लिए आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए तो आसान हो जाएगा ये सवाल, 60 और 40 कितने हो जाएंगे बेटा, 10 टी, 24 में से 48 जाएंगे तो माइनस का 24 बचेगा। क्या हो रही है बच्चों, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, ऐसा नंबर और मिडिल टर्म ब्रेक की भी आपने लेक्चर जरूर देखा हो, तो ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर क्या बने, 24 बने। पहले क्या करते हैं बेटा, पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं, मिड को ब्रेक करते हैं, ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या बने, 24, और प्लस माइनस करने पर बने 10। तो 24 किसके टेबल में आता है बेटा, 24 आता है 12 2 जा, तो मैंने 12 और 2 में ब्रेक कर दिया, जो वेरिएबल मिड में होता है उसको दोनों के साथ लिखा जाएगा, आंसर में मुझे माइनस चाहिए तो बड़े नंबर के साथ, यहां पर प्लस चाहिए ना, सॉरी आंसर में मुझे प्लस चाहिए तो बड़े नंबर के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस, तो 12 में से 2 जाएंगे 10 बचेगा, 12 2 24। फिर क्या करते हैं बच्चों, दो दो करके कॉमन लिया जाता है, चले कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, टी प्लस 12, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है, तो बचेगा टी, बाहर माइनस आ गया तो अंदर वाले की साइन चेंज, और टू 12। कैसे लिखते हैं, एक बार सेम वाला ब्रैकेट, एक बार बची हुई ब्रैकेट।
अब लास्ट में क्या करें, आंसर तो आ गया लेकिन आंसर आया टी की फॉर्म में, सवाल हमें दिया हुआ था एक्स की फॉर्म में, तो आप वापस से इसकी वैल्यू पुट कर दें, इस टी की जगह क्या रख देंगे, ये रहा ये था ना टी की वैल्यू, क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर 5x प्लस 12, और दूसरा भी क्या हो जाएगा टी की जगह एक्स स्क्वायर 5x और माइनस का 2 अपनी जगह पे, फिर से मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 12 बने, 12 किसके टेबल में आता है, 12 आता है 2 के टेबल में, 6 2 जा नहीं, 6 और 2 मिलके 5 नहीं बन सकते, 12 आता है फिर 3 के टेबल में, 4 3 जा, 4 और 3 मिलके भी 5 नहीं बन सकते, तो बस इसका मतलब ये वाली मिडिल टर्म ब्रेक तो नहीं हो रही, तो ये तो सही रहेगा, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 2 बने, तो 2 तो अपने टेबल में आता है, 2 1 जा 2, तो इसका मतलब ये मिडिल टर्म ब्रेक भी नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, तो बस फिर यही हमारा आंसर है। अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो जरूर करेंगे, और हो रही से मतलब ये नहीं कि आपसे हो रही है, हो रही से मतलब ये है कि अगर ऐसी इक्वेशन है जो मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है तो जरूर करेंगे। चले अगला सवाल करते हैं, क्या है हमारे पास अगला सवाल, वही सेम चीज, सेम ब्रैकेट बनाने की कोशिश करते हैं बेटा, वही वाली पिछले वाली बात है कि माइनस टू और माइनस थ्री मिलके कितने हो जाएंगे, माइनस का फाइव, और माइनस वन और माइनस फोर भी मिलके माइनस का फाइव हो जाएगा, तो इसका मतलब स्टार्टिंग तो हमारी तकरीबन वैसी ही है कि एक्स माइनस वन के साथ एक्स माइनस फोर रख देते हैं और एक्स माइनस टू के साथ एक्स माइनस थ्री रख देते हैं, यानी कि सेम सवाल है बस प्लस की जगह माइनस आए। अब मल्टीप्लाई करें, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, अब किसकी बारी वन की ना, माइनस वन को एक्स से करेंगे तो माइनस वन एक्स, माइनस माइनस प्लस वन फोर जा फोर, अब किसकी बारी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को थ्री से करेंगे, ऐसे ही करते ना मल्टीप्लाई, एक्स को दोनों से करेंगे फिर टू को दोनों से, अब माइनस टू को एक्स से करेंगे तो माइनस का टू एक्स और माइनस माइनस प्लस टू थ्री दस सिक्स, अब जो जो प्लस माइनस हो सकता है कर लेते हैं, माइनस फोर और माइनस वन मिलके बेटा कितना हो जाएगा, माइनस का फाइव, माइनस थ्री और माइनस टू भी मिलके कितना हो जाएगा, माइनस का फाइव, तो ये तो हमने पहले से ही डिसाइड किया था ना कि दोनों सेम आएंगे, इसको इक्वेशन वन का नाम देते हैं, और क्या करते हैं लेट जो दोनों में सेम वैल्यू है उसको किसके बराबर रख देते हैं बेटा, टी के, और फिर साथ साथ पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर वन, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, टी प्लस फोर अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, टी प्लस का सिक्स अपनी जगह पे, आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों ब्रैकेट, टी को टी से मल्टीप्लाई किया टी स्क्वायर, टी को सिक्स से मल्टीप्लाई किया फोर की बारी, फोर को टी से करेंगे तो फोर्टी और फोर सिक्स जा 24, तो बेटा ये हो जाएगा टी स्क्वायर, छः और चार मिलके कितने हो जाएंगे 10t, 24 में से 99 जाएंगे तो माइनस बड़े नंबर के साइन आएगा और ये बचेगा 95, 85, 75, अब मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर क्या बने 75 और प्लस माइनस करने पर 10 बने, तो सोचे 75 किसके टेबल में आता है, क्या 75 इवन नंबर तो है नहीं, तो इसका मतलब 2, 4, 6, 8 के टेबल में तो आएगा ही नहीं, हम 3 से ट्राई करते हैं, 75 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 25 आ रहा है, क्या 25 और 3 मिलके 10 बनेगा, बिल्कुल भी नहीं, फिर 75 4 तो कर नहीं सकते, 5 से करते हैं तो आंसर आ रहा है मेरे पास 15, क्या 15 और 5 मिलके 10 बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, प्लस का 10 चाहिए ना, तो बड़े नंबर के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस, 15 में से 10 गए 5 गए बचे ना 10, फिर दो दो करके कॉमन लेते हैं, चले इन दोनों में से t कॉमन आ गया तो बचा बेटा t प्लस 15, 5 कॉमन आएगा t बचेगा, बाहर माइनस आ गया तो अंदर वाले की साइन चेंज, और 5 के टेबल में 75 कब आएगा 15 से, क्या दो ब्रैकेट सेम हो गए, ये इस बात की निशानी होती है कि आपने मिडिल टर्म ब्रेक सही की, और लिखते कैसे हैं बेटा, एक बार सेम वैल्यूज और एक बार बची हुई वैल्यूज, आखिरी में क्या करते हैं टी की जगह वापस से टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि टी तो हम अपनी आसानी के लिए लाए थे ना, अब जब काम हो गया तो टी की जगह एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स अपनी जगह पे, प्लस का 15 अपनी जगह, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स अपनी जगह पे और माइनस का फाइव अपनी जगह पे, क्या
क्या करना चाहिए बच्चों, देखें जरा, पहले में मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है क्या? एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, प्लस का 15 अपनी जगह पे, ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पर 5 बने और मल्टीप्लाई करने पर 15। 15 किसके टेबल में आता है? 5 3 जा, तो 5 और 3 मिलके 5 नहीं बन सकते, और किसी के टेबल में आता नहीं, इसका मतलब पहला ब्रैकेट तो मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगा। क्या दूसरा हो रहा है? मल्टीप्लाई करने पर भी 5 बने और प्लस माइनस करने पर भी 5 बने? नहीं जी, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो यही हमारा आंसर। एक और एग्जांपल करते हैं। अब जब लॉजिक समझ आ गई ना, अब आप कहेंगे सर अब तो बड़े आसान सवाल है, अब तो वीडियो बंद की खुद अपना सॉल्व करना शुरू कर दिया और फिर रीचेक कर लिया बस वीडियो से कि यार सही कर रहे हैं या नहीं करते। जी भाई, सेम ब्रैकेट कौन से होंगे? 3 और 5 मिलके होते हैं 8, 7 और 9 मिलके 8 नहीं होते हैं, 3 और 7 मिलके 10 होते हैं, 9, 5 भी 10 नहीं होते, 3 और 9 12 होते हैं, 5 और 7 12। हाँ, तो x-3 कोई शायद हो सकता है, आपको शॉर्टकट बताया बेटा, पहले को चौथे से मिला दो बेटा, जरूरी थोड़ी है ब्रैकेट आगे पीछे करके दे दिए सवाल में, फिर इसलिए चेक जरूर करें कि किससे सेम वैल्यू बन रही है। तो 3 और 9 मिलके भी 12 बनेगा और 7 और 5 मिलके भी 12 बनेगा, तो हम इसको एक साथ रख दें। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 9 से मल्टीप्लाई किया, 3 की बारी क्या हो जाएगा? 3x-3 9 27। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, एक्स को 7 से कर दिया, 5 की बारी, 5x और 7 5 35, प्लस माइनस कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -9 और -3 मिलके हो जाएगा -12, -7 और -5 भी मिलके हो जाएगा -12, और आगे की कहानी अब आपको समझ में आना शुरू हो गई। जो सेम वैल्यू है उसको किसके बराबर रखा जाता है? सेम वैल्यू है एक्स स्क्वायर -12x, किसके बराबर रखा जाता है? टी के। और इक्वेशन नंबर 1 में पुट भी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर -12x की जगह आ जाएगा t 27 अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर -12x की जगह पे t और 35 अपनी जगह पे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, t को t से मल्टीप्लाई करेंगे t स्क्वायर, t को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 35t, अब किसकी बारी बेटे? 27 की ना, 27 को t से मल्टीप्लाई करेंगे और 27 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो आ रहे बच्चों 945। ठीक है, अब प्लस माइनस करते हैं, जो जो प्लस माइनस हो रहा है, टी स्क्वायर अपनी जगह, 35 और 27 मिलके कितने हो जाएंगे? 35 और 27 हो जाएंगे 62t, और 9 45 और 15 मिलके कितने हो जाएंगे बेटा? 960। मेरे टर्म ब्रेक हो रही है ना, मल्टीप्लाई करने पर क्या बनना चाहिए? मल्टीप्लाई करने पर 960 बनना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 62 बनना चाहिए। वही तरीका, पहले 960 को डिवाइड करते हैं 2 से, आंसर आ रहा है 480, तो 480 और 2 मिलके तो जाहिर है 62 नहीं बन सकते। अच्छा, मुझे पता चल गया नंबर बहुत बड़ा है ना, तो मैं 2 3 4 से नहीं जा रहा, मैं थोड़े बड़े नंबर से स्टार्ट करता हूँ, हैवी राउंड ऑफ, तो 960 को डायरेक्ट 20 से डिवाइड करते हैं, आ रहा है 48। क्या 48 और 20 मिलके 62 बनेंगे? नहीं बनेंगे। चलें 25 से करते हैं, तो पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, 30 से करते हैं तो आ रहा है 32। क्या 30 और 32 मिलके 62 बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे, 32 और क्या बेटा 30, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? टी कॉमन आ रहा है, तो बचेगा t+32, यहां से क्या आ रहा है? 30 कॉमन आ रहा है, तो t+30 के टेबल में 960 का बात है 32 से। कैसे लिखते हैं? एक बार सेम ब्रैकेट और एक बार बची हुई वैल्यूज। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, t+32 है, t की जगह क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 12x+32, फिर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 30। मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है क्या? ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 32 बनाए और प्लस माइनस करने पर 12, तो 32 आता है 2 के टेबल में, 2 16 12 नहीं बन रहा, 3 में आता नहीं है, 4 में आता है, 4 8 जा 8 4 जा 32,
यानी अगर मैं 32 की बात करूं तो ये बनेगा 4 8s, और मुझे चाहिए माइनस का 12, तो दोनों के साथ माइनस लगा देंगे, बिल्कुल मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। तो पहले ब्रैकेट की मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, माइनस का 4x और बेटा क्या माइनस का 8x, 32। अगले ब्रैकेट को बाद में देख लेंगे, पहले एक को पूरा कर लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस 4, और यहां से 8 कॉमन आ रहा है तो माइनस बार आ गया तो अंदर वाले की साइन चेंज, और 8 4 32। तो एक बार आपने लिख दिया एक्स माइनस 4 और एक बार लिख दिया एक्स माइनस 8, ये हो गया आपका पहला ब्रैकेट सॉल्व। अब दूसरा देखते हैं, 30 बनना चाहिए, 30 आता है 2 के टेबल में, 15 2s आ नहीं बनेगा, 3 में आता है 10 3s आ नहीं बनेगा, 4 में आता नहीं है, 5 में आता है 6 5s आ तो भी नहीं बनेगा, 7 8 9 10 ठीक है, दूसरे में नहीं बन रहा। तो जब नहीं हो रही दूसरे में मिडिल टर्म ब्रेक, तो ये अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा, यानी कि जहां मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है वहां आप जरूर करेंगे, और जहां नहीं हो सकती उसको आप एज इट इज रहने देंगे, ये आप आंसर। गॉट इट? अच्छा जनाब, फिर वही सवाल, किस किस को सेम करना चाहिए? देखें जरा, 2 और 5 मिलके हो जाएंगे 7 और 3 और 4 मिलके भी 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट को सही कर लेते हैं, पहले x-2 x-5, और x-3 के साथ क्या रख दिया आपने? x-4। श्योर, मल्टीप्लाई करें, एक्स को एक्स से करेंगे x2, फिर एक्स को 5 से करेंगे 5x। अब 2 की बारी ना, तो ये हो जाएगा 2x और 2 5 10, माइनस माइनस प्लस, x x2, एक्स को 4 से करेंगे तो 4x। अब -3 की बारी, -3x माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, क्या करना चाहिए? प्लस माइनस हो रहे हैं तो करें, 5 और 2 मिलके हो गए 7, 4 और 3 मिलके भी कितने हो गए बेटा? 7। अच्छा, अब आपको नजर आ गई सेम वैल्यू, जब सेम वैल्यू मिल गई तो क्या करेंगे? x2 -7x को t के बराबर रखते हैं, और किसमें पुट कर देते हैं? यानी अगर आप और से देखें तो कोई लॉजिक सवाल कितनी मुश्किल नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन है, बार बार मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। सो x2 -7x की जगह पे t आ जाएगा 10 अपनी जगह पे, इसकी जगह t आ जाएगा, प्लस का 12 अपनी जगह पे, 12 255 अपनी जगह। टी को टी से मल्टीप्लाई किया 2t, टी को 12 से मल्टीप्लाई किया 12, 10 को टी से मल्टीप्लाई किया 10t, और 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 120 255। 12 और 10 मिलके बेटा कितना हो जाएंगे? 22t, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की आएगी, 255 में से कितना माइनस करना है हमें? 120 को, तो 255 में से 120 माइनस करेंगे तो 135 आएगा। अब मिडिल टर्म ब्रेक देखते हैं, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर क्या बने बेटा? 135, और प्लस माइनस करने पर 20 बने, तो एक एक करके डिवाइड करके देखते हैं। 135 को 2 से तो कर ही सकते, 3 से करेंगे तो 45 आ रहा है, तो 45 और 3 मिल गया तो 22 नहीं बनेगा, 4 से होगा नहीं, 5 से कर रहे हैं तो 27 आ रहा है, तो आ गया 27 और 5 मिलके बन जाएंगे ना, तो हम क्या लिख देंगे बेटा? 27 और 5। उसके बाद मुझे आंसर में प्लस चाहिए, तो बड़े नंबर के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस, 27 में से 5 गए, 22 बचेंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं बेटा? दो दो करके कॉमन, टी कॉमन आया तो टी +27, और 5 कॉमन आया तो टी, बाहर माइनस है तो अंदर वाले की साइन चेंज, और 5 के टेबल में 135 कब आएगा? 27। एक बार सेम ब्रैकेट, एक बार बची हुई वैल्यू, चलो वैल्यूज पुट करें टी की। कितनी वैल्यू है टी की? x2 -7x और 27 अपनी जगह पे, x2 -7x और माइनस का 5 अपनी जगह पे। जी बच्चों, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है क्या? 27, 3 के टेबल में आता है 3 9 नहीं, 7 नहीं बनेगा, 3 और 9 मिलेगा 4 5 6 7 8 9 में डायरेक्ट आता है, इसका मतलब मिडिल टर्म ब्रेक पहले ब्रैकेट में तो नहीं हो रही, मल्टीप्लाई करने पर 5 बनना चाहिए दूसरे ब्रैकेट में, और प्लस माइनस करने पर 7, तो 5 तो अपनी टेबल में आता है, 5 5 5 तब भी नहीं हो रहा, तो इन दोनों का मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही, तो ये भी हमारा आंसर।
देखा सवाल लग रहा है, सेम है सवाल। वन को किसके साथ रखूं? फोर के साथ। टू को किसके साथ रखें? थ्री के साथ। वही तरीका, दोनों ब्रैकेट को अभी अभी हमने किया है इस तरह का, पहला सवाल भी दूसरा सवाल भी सेम था, बिल्कुल मल्टीप्लाई किया था। कर देते हैं मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस माइनस हो रहा है तो वो भी कर देते हैं। सेम वैल्यू आ गई, इसके बराबर रखेंगे बेटा। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x को टी के बराबर रखते हैं और इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं। क्या बन जाएगी इक्वेशन पूरे की जगह? टी प्लस 4, और यहाँ क्या आ जाएगा? टी प्लस 6। फिर वही बात, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम सवाल था जो हमारा आई थिंक आज का क्वेश्चन नंबर 2 था। अब प्लस माइनस हो रहा है तो कर लें। 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10t। 24 में से 224 जाएगा तो माइनस का 200 बचेगा। अब ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 200 बने और प्लस माइनस करने पर 10 बने, 20 10 सा सीधा सीधा है, 20 10। मुझे प्लस चाहिए तो बड़े नंबर के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस। बेटा टी कॉमन ले ले, क्या बचेगा? टी प्लस 20, और यहां से क्या आ जाएगा? 10 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा टी, बाहर माइनस है तो अंदर वाले की साइन चेंज। 10 के टेबल में 200 कब आएगा? 20 से। तो एक बार आप लिख देंगे सेम ब्रैकेट और एक बार लिख देंगे बची हुई वैल्यूज, जिसका मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब ये हुआ कि वैल्यूज पुट करते हैं। टी की जगह क्या रखेंगे आप? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 20 हो जाएगा एक ब्रैकेट, और एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 10 हो जाएगा दूसरा ब्रैकेट। जी भाई, पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने पर क्या बनना चाहिए? 20, 2 10 5 नहीं बनेगा, 4 5 5 नहीं बनेगा, तो ये तो नहीं हो रहा। दूसरे में मल्टीप्लाई करने पर क्या बनना चाहिए? 10, 2 5 से ही आता है 10, तो वो भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब फिर नहीं हो रही मिडिल टर्म ब्रेक के लिए। लास्ट क्वेश्चन जी भाई, पेयरिंग क्या करें? 2 के साथ 5 कर देते हैं, 3 4 ये हमने किया है अभी इस तरह का सवाल सेम। एक्स प्लस 2 के साथ क्या रख देंगे बेटा? एक्स प्लस 5, और एक्स प्लस 3 के साथ क्या रख देंगे? एक्स प्लस 4। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपको नजर आएगा कि दोनों में कुछ सेम वैल्यू मिलेगी अभी जब हम प्लस माइनस कर देंगे। क्या मिल रही है दोनों में सेम वैल्यू मिली? कितनी? एक्स स्क्वायर प्लस का 7x। तो इस एक्स स्क्वायर प्लस का 7x को किसके बराबर रखेंगे? टी के, और किसमें पुट कर देंगे? इक्वेजन नंबर 1 में, यानी इस पूरे की जगह आ जाएगा टी प्लस 10, और इस पूरे की जगह आ जाएगा टी और प्लस का 12 अपनी जगह। जी बच्चों, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। टी स्क्वायर 12t 10t, और 12 10 120। चलो प्लस माइनस हो रहा है तो कर लेते हैं। 12 और 10 मिलके कितना हो जाएगा? 20t। अभी अभी हमने किया था ऐसे ही सवाल, बस ये आखिरी का नंबर चेंज है। 120 में से 24 जाएंगे तो माइनस नहीं प्लस का बचेगा 96। अब ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 96 बने और प्लस माइनस करने पर 22 बने, तो 96 को हम ब्रेक कर करके देखते हैं।
96 को हमने 2 से डिवाइड किया, बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, 48 आ रहा है, बहुत आ रहा है। 3 से करेंगे तो 32 आ रहा है, तो 32 और 3 मिलकर नहीं बनेगा। 4 से करेंगे तो 24 आ रहा है, तो 24 और 4 मिलकर भी नहीं करें बनेगा। 5 से हो नहीं सकता। 6 से करेंगे तो 16 आ रहा है, तो 16 और 6 मिलके हमारा 22 बन जाएगा। 16 ठीक और 16 क्या हो रहा है बेटा? टी कॉमन, तो टी प्लस 16, फिर 6 कॉमन, तो टी प्लस 6 के टेबल में 96 कब आएगा? 16 से। तो एक ब्रैकेट बन गया टी प्लस 16 यानी सेम वाला ब्रैकेट, और एक बच गया बची हुई वैल्यूज। क्या वैल्यूज पुट करनी है? टी प्लस 16 है ना, टी की जगह क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर 7x प्लस का 16, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 6। मल्टीप्लाई करने पर क्या बनना चाहिए पहले ब्रैकेट में? 16, 16 2 के टेबल में आता है 2 8 7 नहीं बनेगा। 4 के टेबल में आता है 4 4 7 नहीं बनेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 6 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6 बनना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 7। सो आप कहेंगे सर 6 × 6 बन गया, लेकिन नहीं ना। हाँ बन गया बिल्कुल, प्लस 6 और प्लस 1, 6 × 6 और 6 × 1 मिलके 7 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ब्रैकेट अपनी जगह पे, दूसरे में मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। इसमें किया हमने ब्रेक 6x और 1x में, पहला ब्रैकेट अपनी जगह पे, दूसरे में कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आएगा तो बचेगा एक्स प्लस 6, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो फिर 1 लिखते हैं। हमने पढ़ा ये चीज ना मिडिल टर्म ब्रेक वाले सवाल लेक्चर में। तो बेटा एक्स स्क्वायर 7x प्लस 16 अपनी जगह पे, और दूसरे में एक बार क्या लिख दोगे? सेम वाला ब्रैकेट, और एक बार क्या लिख देंगे हम? बची हुई वैल्यूज। एक बार समझ में, एक्स प्लस सिक्स एक बार लिख दिया और एक बार एक्स प्लस 1 लिख दिया, ये हमारा आंसर। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। लेंथी सवाल है, आई नो बिल्कुल लेंथी सवाल है, लेकिन लॉजिक क्या है? लॉजिक तो एक ही है, वही बार 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 चल जाएगी, तो इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। दैट्स एनफ।